फोन के बिना कुछ नहीं है जी, है बात नहीं। तो पढ़ाई लिखाई फुल काले बादल हो रहे हैं तो शायद बारिश आएगी गाइस। तो गाइस बहुत तेज पड़ रही है इस टाइम बारिश, बताओ कब चलाऊं? पूरे दिन फोन चला रहे थे। अरे तू बहन ने बस क्यों मेरे पे बकवास करवाने पड़े। गाइस आज बहुत लेट व्लॉग शूट कर रहे हैं हम, अब टाइम ट्यूशन का हो गया तो मतलब 2 बज गए होंगे, और आज भी हमारे स्कूल की छुट्टी थी क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग है स्कूल में, इसलिए हमारी छुट्टी थी। गाइस पेरेंट्स मीटिंग में घर से कोई नहीं गया। गाइस बारिश का मौसम हो रहा है और गाइस अब पहले ट्यूशन चलते हैं और अभी व्लॉग को भी स्टार्ट करते हैं। हे गाइस वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग, चलते हैं गाइस ट्यूशन। तो अपने ट्यूशन की छुट्टी हो चुकी है और गाइस आज मैं कॉपी तो भूल गया, मतलब इसने मेरी कॉपी कहीं गोल गोल दी है, और आज मैंने इस पर्चे पर लिखा इंग्लिश का जो भी मैं पढ़ा वढ़ा, इस पर मैंने बॉस लिखा है। चले ब्रदर मट्टी तो खवा दे, रसगुल्ले तो तन्ने खवाए ना। रसगुल्ले कौन से बता चेतन भाई, रसगुल्ले भी नहीं खवा सकता। ओ कितने में बिक जाओगी हैं? हाउ मैनी प्राइस दिस मूर्ति हैं? हाउ मैनी प्राइस दिस मूर्ति आप कितना लगाना चाहते हो? 650। चल ले जा जा जा। वैसे भाई बादल आपके घर में आर्टिस्ट बहुत बढ़िया बढ़िया देखेगा, बेहतरीन बेहतरीन पेंटिंग बना रखी है। ये बोतल भी बनाई या मॉल की है? मॉल की। चल एक यू तो दे दे ठा क्या थाले आज वो करेंगे करेगा सुधान डिनर नाइट जो बैठ के कैंडल लाइट। अरे हाँ कैंडल लाइट नु रख के अनु करके इधर बत्ती जला के माचिस लगाओ शीशे में और देख लो। मैं भाई मानदा बादल क्या बदतमीजी कर रहा है तू? आंटी जी को भी घेर देता तू, मेरा गला मत बिच्चे करे, दे जाओ इसे तू मारेगा वो तो। चले बादल दावत वावत कैसे चल रही है? अरे वो यार रसगुल्ले खावा था जो तू लाया भाई, तीन तीन पन्नी भर के लाया रसगुल्लों की। पापा लाए मैंने खुद देखे चार बाल्टी ट्यूशन से आ चुके हैं तो गाइस चाय बनाते हैं एक बार मम्मी के लिए, मैंने पानी तो रख दिया है अब इसमें सोडा डालते हैं। तो फुल काले बादल हो रहे हैं तो शायद बारिश आएगी गाइस, देखो यहाँ पर कैसा अंधेरा हो गया इस टाइम में। और अभी 5:30 बज गए गाइस, मैं 5:30 से भी ज़्यादा ही बज गए हैं। और गाइस मैं सो गया था थोड़ी देर और सोकर उठाऊँ और देखो गाइस मौसम कैसा हो रहा है, शायद बारिश आएगी बहुत तगड़ी वाली आएगी। तो इस मौसम में अब जल्दी से आए दूध काटने, और गाइस दूध काटने और अपना दूध कट्टा, और देखो गाइस मौसम तो क्या बेहतरीन हो रहा है। चलो गाइस कटवा लेते हैं एक बार दूध, मैं दवाई लेने गया था और गाइस यहाँ पर रेन भी आ चुकी है और बारिश भी आ चुकी है और गाइस बहुत बुरा आंधी सी आ रही है। गाइस जल्दी से बस एक बार घर पहुँच जाता हूँ मैं, और गाइस देखो ट्रेन मेरी और हम मेरे, और जल्दी से चलते हैं अपने घर। तो भीग चुके हैं थोड़े बहुत तो, और गाइस इस बारिश में भीगना नहीं चाहिए, मौसम ऐसे चल रहा है क्योंकि गर्मी तो बहुत हो रही है पर भीगना नहीं चाहिए हमको। गाइस अब चलते हैं जल्दी से घर पर, अभी फिसक जाता मैं। बाहर पड़ रही है बारिश और यहाँ पर प्रोग्राम बना रहे हैं पकौड़ी का, और मम्मी आलू काट रही है, और फिर गैस अब पहले बेसन चाहिए इसमें और कई सिस्टम चाहिए, और गैस चाय तुझे क्या है सिस्टम माने सारा सौदा, मतलब जो जो उसमें डलेगा नमक मिर्च आई थिंक ये सब। तो गैस बनवा लेते हैं एक बार पकौड़ी है, चिल्ली क्यों डलेगी, कटन लगे हैं आलू और जल्दी से। बहुत तेज पड़ रही है इस टाइम बारिश, और गाइस मैं बेसन लेने जा रहा हूँ, बेसन खत्म हो गया है घर पर तो है नहीं बेसन, और देखो गाइस कितनी तेज तेज बारिश पड़ रही है यहाँ पर। और एक बार हम बेसन ले लेते हैं दुकान से, हम तो इस छज्जे के नीचे आए हैं नहीं तो भीग जाते।
क्या है बेसन और बनाते हैं पकौड़ी। और बारिश देखो कितनी भयंकर हो रही है यहाँ पर। और गाइस यहाँ पर जिस टाइम बहुत डर रहता है फिसलने का। और चलो गाइस अपनी अच्छी तरह लैंडिंग हो चुकी है अपने घर पर। अब दे देते हैं बेसन मम्मी को। पोपट हो चुका है, बेसन ज़्यादा लाना था, मैं थोड़ा ले आया हूँ और ये कम पड़ेगा बेसन, इसलिए गाइस फिर चलते हैं, बारिश में फिर जाना पड़ेगा। गाइस ले आए हैं और बेसन और अब दे देते हैं अंदर। मैं ही कुकिंग कर रहा हूँ आज और गाइस मैं ही बनाऊंगा आज पकौड़ी। ये रहा तेल गरम हो चुका है बहुत बेहतरीन वाला। और ये चाय रखी है यहाँ पर, इलायची उलायची सब डल चुकी है इसमें। और गाइस डर लगता है मुझे कि एकदम, इसलिए इसमें मत रखा सही तो है, तमीज ना आयो। पकौड़ी बनानी तो अनु जी, हम पे तो बनी नहीं पकौड़ी, दीदी बनाएंगे। बनाएंगे तो गाइस सब अपना हाथ भी धो लेते हैं, ये थोड़ा सा गंदा हो गया हाथ। तो गाइस इधर देख, तो वाइपर लगा रहे हैं यहाँ पर, पानी पानी हो चुका है। वो गाना कहते हैं पानी पानी हो गई, पानी पानी हो गई, पानी पानी हो गई। तो पानी हम साफ कर रहे हैं, पानी पानी हो गई थी ये हमारा फर्श, पानी पानी हो गया था हमारा फर्श, तो इसलिए हम पानी पानी साफ कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर गंदा सा भी लग रहा होगा आपको। कहीं देख लो मैं कितना काम करता हूँ अपने घर में, मुझसे ज्यादा काम कोई नहीं करता। मेरे जैसा सुशील होगा कहीं नहीं होगा, मेरे जैसा अच्छा लड़का। मेरे जैसा लड़का ही नहीं है, उतने काम करता हूँ मैं घर के। तो अपनी पकौड़ी फुल रेडी हो चुकी है चाय के साथ, ये चटनी है और ये पकौड़ी है। और गाइस अब खाते हैं इन पकौड़ियों को। फोन कैसे है ना, हाँ हाँ बताओ ना, ये पढ़ा दे क्या फोन क्या कह रहे क्यों ना कहता फोन कुछ भी नहीं कहता फोन तो पढ़ते हो ना हर वक्त फोन में लगे रहे फोन में लगे रहूँगा बेटा फोन तो हम चलाते ही ना है हाँ ना चलाता हाँ बताओ कब चलाऊँ पूरे दिन फोन चलावे मैं हाँ तू मेरे जैसा लौंडा है कोई इतने काम करे इतना अच्छा इतना मजबूत लौंडा है बताओ कोई अरे तू रहने बस क्यों मेरे पे बकवास करवाने खड़े और जी कैसे हो आप हैं ठीक है कितने भूत तोड़ूं तेरा कितने ठीक हो हैं कितने ठीक हो ए हंसी आ गई और देख ले हंसती रह करो तुम हाँ फोन बहुत जरूरी है आज के टाइम में, फोन के बिना कुछ नहीं है जी, है बात नहीं। तो पढ़ाई लिखाई कुछ ना, फोन ही चलाएगा रात दिन। तो पढ़ाई करे तो है हाँ, करे पढ़ाई करते ना पढ़ाई इतनी तो पढ़ाई करे यार फोन ही जरूरी है फोन इज माय वाइफ मैं अपना व्लॉग एडिट कर रहा था और मेरा व्लॉग फुल एडिट हो चुका है
और गाइस अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग बहुत बेहतरीन लगा होगा, अगर बेहतरीन लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाइए। चलो गाइस मिलते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।